एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुशी से झूमती नजर आ रही हैं। सुनीता ने स्पेस स्टेशन पर परीक्षण मिशन पर गई हैं और ये मिशन 14 जून तक का है, इसके बाद वो धरती पर वापस आ जाएंगी। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का नया अंदाज, स्पेस स्टेशन पर झूमी सुनीता। कामयाबी की खुशी सुनीता विलियम्स के चेहरे पर साफ नजर आई। वो खुद को रोक नहीं पाई और खुशी से डांस करने लगी। चेहरे पर गजब का उत्साह था। ये वीडियो तब का है जब वो स्टारलाइनर यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी। स्टेशन में उनके कई साथी पहले से ही मौजूद थे। उन्हें देखकर सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो स्पेस स्टेशन पर डांस करने लगी। इसके बाद उन्होंने दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को गले लगा लिया। उन्होंने भी सुनीता विलियम्स का जोरदार स्वागत किया, जो ये साफ दिखा रहा था कि अपनी मंजिल तक पहुँचने की चुनौती और उसे पार करने की खुशी क्या होती है। सुनीता के स्पेस स्टेशन में पहुंचते ही घंटी बजाई गई। ये एक परंपरा है, जब भी कोई नया अंतरिक्ष यात्री स्पेस में पहुंचता है तो बाकी एस्ट्रोनॉट्स घंटी बजाकर उसका वेलकम करते हैं। सुनीता के साथ स्टारलाइनर यान से अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे बुच विलमोर का भी स्वागत किया गया। अंतरिक्ष की दुनिया जितनी रोचक और रोमांच से भरी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा चुनौतियाँ आती है। लेकिन एक एस्ट्रोनॉट की सबसे बड़ी खासियत चुनौती से डील करना ही है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर नए अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। 58 साल की विलियम्स इस परीक्षण उड़ान की पायलट है तो 61 साल के विलमोर इस मिशन के कमांडर है। सुनीता बुधवार को अपने सहकर्मी बुच विलमोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुई थी। 26 घंटे के बाद वो गुरुवार को स्टेशन पहुंची। साल 2012 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के दौरान वो अंतरिक्ष में ट्रायथलॉन पूरा करने वाली पहली महिला थी। इससे पहले सुनीता विलियम्स ने साल 2006, 2007 और 2012 में इंटरनेशनल स्पेस पर अपने मिशन के दौरान एक महिला के सबसे ज्यादा स्पेस वॉक टाइम 50 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था। सुनीता विलियम्स साल 1987 में अमेरिकी नौसेना एकेडमी से ट्रेनिंग लेने के बाद नेवी से जुड़ी थी। उन्हें साल 1998 में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना था। वो दो अभियानों का हिस्सा बनी। वो फ्लाइट इंजीनियर और कमांडर के रूप में काम कर चुकी हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर लगभग एक हफ्ते तक रहेंगे। इस दौरान वो स्पेस स्टेशन पर जरूरी प्रशिक्षण में मदद और वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। अभियान पूरा करने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट 14 जून को स्टारलाइनर यान में सवार होकर धरती की तरफ रवाना होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देश की सेना को आज 355 जाबाज ऑफिसर मिल गए हैं। देहरादून की भारतीय सेना अकादमी में भव्य पासिंग आउट परेड हुई और इस दौरान विदेशी मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट भी पास आउट होकर अपने देश की आर्मी में अफसर बनेंगे। जोश है, जुनून है, देश के लिए समर्पण और रक्षा का प्रण है। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में आज जब देश के शूरवीरों ने कदम ताल किया तो दर्शक दीर्घा में बैठे उनके माता पिता के लिए ये गर्व से भर देने वाला क्षण था, क्योंकि आज उनके बेटे ने देश सेवा का प्रण लेते हुए सेना में अफसर बनने की ओर कदम रख दिया। अपने आप में एक इतिहास को समेटे देहरादून की भारतीय सैन्य अकेडमी से 355 युवा पास आउट होकर भारतीय सेना में अफसर बन गए। परेड की सलामी उत्तरी कमांड के GOC लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार ने ली। इस मौके पर सेना के हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा भी की गई। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स का हौसला देखते ही बन रहा था। कैडेट चैडवुड ड्रिल स्क्वायर पर कदम ताल करते आए तो उनके परिजनों ने उनकी हौसला अफजाई की। IMA से पास आउट होने वाले कुल 394 कैडेटों में 39 विदेशी मित्र राष्ट्रों के कैडेट भी है। 355 भारतीय अफसर सेना की अलग अलग कोर से जुड़कर देश के हर कोने में सेवा देने के लिए जाएंगे। इसने बहुत मेहनत की है और ये अभी
अच्छी तरह देश की सेवा करेगा। इसके दादाजी भी फौज में थे, राजपूत रेजिमेंट में, और इसके ताऊजी भी सेकंड राजरिक में ऑनरी कप्तान से रिटायर हुए। मैं भी आर्मी में था, अभी रिटायर। बेटा ऊपर आ गया। बेटा आपकी शिक्षा अवसर है। मेरा बचपन से यही सपना था, क्योंकि पिताजी को मैंने बचपन से फौज में देखा, तो वो जो चाल डाल था, वो जो लाइफस्टाइल था, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता था, और मैं भी इसी में अब जाने वाला हूँ। सर मुझे 11 GR मिला है। तो पहले मैं इससे पहले लद्दाख स्काउट में सर्व करता था। चार साल मैंने सर्व किया लद्दाख स्काउट में। इसके बाद मैंने SSC के थ्रू मैंने अपना SSB क्लियर किया, और अभी 4 साल रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद मुझे अभी 11 GR मिला है। मैंने फौज ही देखा है, तो मेरी फौज की डिसिप्लिन, रहने का तरीका, चलने का तरीका, ये सब बहुत पसंद है। तो मैंने बचपन से ठान लिया था कि मुझे फौज में जाना है। तो मैंने सैनिक स्कूल से मेहनत करना शुरू किया, तो सैनिक स्कूल निकला नहीं, बाद में मैंने NDA भी दिया था। IMA साल 1932 में अस्तित्व में आया था, जो भारत और मित्र देशों को अब तक 65,000 से ज्यादा सैन्य अफसर दे चुका है। यहाँ कैडेट्स को ट्रेनिंग के साथ तमाम प्रकार के स्पोर्ट्स, एडवेंचर एक्टिविटी, आर्म्स ट्रेनिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट में भाग लेने का मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।